सुबह के 5 ही बजे थे कि अचानक मेघा की दीदी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ दीपा दीदी, इतनी सुबह सुबह उठ गए? रुको, खोलती हूँ दरवाजा। मेघा, गांव की सब औरतें लोटा पार्टी के लिए निकल चुकी हैं, बस हम दोनों ही रह गए हैं। जल्दी चलो वरना देर हो गई तो शाम तक पेट पकड़कर बैठना पड़ेगा। लोटा पार्टी? मैं कुछ समझी नहीं दीदी। अरे हल्का नहीं होने जाना क्या? मुझे तो बहुत जोरों की लगी है। ये ले अपना लोटा पकड़, बाकी बातें रास्ते में कर लेना। मेघा शहर में रहती थी। दीपा की शादी के बाद वो उससे मिलने गांव आई थी, पर वो यहाँ आकर कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही है उसे ये अंदाजा भी नहीं था। मेघा हाथ में लोटा पकड़े दीपा के साथ जंगल की ओर चल पड़ती है। दीपा, ये कौन लड़की है तेरे साथ? चाची, ये मेरी बहन है, शहर में रहती है, कल रात ही गाँव आई है। अच्छा अच्छा ठीक है, इसे समझा दे कि अच्छे से हल्की हो लेगी, नहीं तो शाम तक इसे खाने पीने में परेशानी होगी। अब बहन के घर आई है, यहाँ अच्छे से निपट लेगी तो आराम से बहन के हाथों की पूरी पकवान खा पाएगी। मैं तो यहीं बैठ जाती हूँ, ये जगह साफ है। दीदी, ये सब औरतें खुले में शौच कर रही हैं, ये लोग अपने घरों में शौच क्यों नहीं जाती? गाँव के घरों में शौचालय नहीं होता, हम सब गाँव की औरतें सुबह शाम लोटा पार्टी के लिए ही जंगल आती है। तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे समझाती हूँ। मेघा दीपा के साथ घर आ जाती है। देख दीपा, ये गांव है, यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे और पैसे वाले नहीं हैं जो घरों में शौचालय बना सके, इसलिए हमें भी इनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। दीदी, जीजा जी आपको यहाँ गांव में छोड़कर शहर में रह रहे हैं, वो वहाँ पर नौकरी करते हैं, वो आपकी इस परेशानी को क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं आपको यहाँ पर घर में शौचालय बनवा कर दे देते? अरे तू छोड़ इन सब बातों को, और माँ बाबू जी के सामने ये बात बिल्कुल भी मत बोलना। मेघा इस बात से बहुत परेशान हो चुकी थी, अब वो गांव में रह रही थी तो मजबूरी में उसे भी लोटा पार्टी के लिए जाना ही पड़ता था। अचानक जीप में गांव के कुछ लड़के वहां से निकलते हैं। अरे भैया, बड़े सही टाइम पे शहर के लिए निकले, यहाँ तो लोटा पार्टी चल रही है। अरे निपट ली हो या हम मदद करें? अरे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ी की लाइट जरा जंगल की ओर कर। सब मुंह ढक लो, ये गुंडे बदमाश जानबूझकर इसी समय यहाँ आते हैं ताकि हम औरतों को शौच करते हुए देख सके। और भी शौच करते हुए शर्म से सहम जाती है। मेघा गुस्से में घर आ जाती है और सोचने लगती है, गांव में घरों में शौचालय नहीं है, मुझे लगता है यहाँ के गरीब परिवार इस विषय में कोई पहल नहीं करेंगे, पर आज जो भी हुआ बहुत गलत था। क्या औरतों की इज्जत इन मर्दों के सामने कुछ नहीं? मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी। अगले दिन मेघा दीपा के सास ससुर के सामने घर में शौचालय बनाने की बात करती है। देखो मेघा, तुम हमारी बहू की बहन हो और हमारी मेहमान हो तो तुम हमारे मामलों में ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। मेहमान की तरह आई हो तो मेहमान की तरह ही रहो। पर आज सुबह जो हुआ वो बहुत गलत था, आपने भी तो देखा था। देख लड़की, तू हमारी बहू की बहन है इसलिए तेरा लिहाज कर रहे हैं। जिस आंगन में तुलसी का वास हो वहाँ पर शौच नहीं किया जाता। आ गई बात समझ में? घर की औरतें शौच के लिए खुले में ही जाएंगी, ये प्रथा नहीं बदलेगी। बहू इसे समझा दो कि ये अपनी मर्यादा में रहे वरना शहर वापस चली जाए। मेघा कमरे में आकर वापस शहर जाने की तैयारी करने लगती है, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती है। मालिक मालिक, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके पेट का दर्द बहुत बढ़ गया है, इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर ने 5,000 रुपए का खर्च बताया है, मेरी मदद करो मालिक, मुझे 5,000 रुपए उधार की जरूरत है। तुम सब औरतों से मैंने कितनी बार कहा है, सुबह 5 बजे लड़कियों को बोल दिया करो कि नींद को छोड़कर हल्की होने जंगल में चली जाएं, पर तुम मानती कब हो? अब आ गई ना मुसीबत, तेरी लड़की सुबह ही निपटने जंगल चली जाती तो तेरा ये खर्चा बच जाता। कब तक लौटा पाएगी ये 5,000 रुपए? मालिक आप चिंता मत करो, मैं खेती का काम ज्यादा करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी, बड़ी मेहरबानी मालिक। ये सब क्या हो रहा है? गांव की गरीब मजबूर औरतें बिना शौचालय की कितनी परेशानी झेल रही हैं। उस बेचारी लड़की का सिर्फ इतना सा दोष कि उसे शौचालय करने के लिए शौचालय नहीं मिला। इन गरीब औरतों और लड़कियों को इतना दुख झेलना पड़ता है, जब तक सुबह नहीं होगी तब तक रात में अंधेरा नहीं घिरेगा, जब तक रात में अंधेरा नहीं घिरेगा ये शौच के लिए नहीं जा सकती। पर मैं इस दकियानुसी सोच को कैसे बदलूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जब तक मैं इस गाँव में शौचालय नहीं बनवा दूंगी तब तक मैं इस गांव से नहीं जाऊंगी। मेघा गांव से जाने का विचार अभी छोड़ देती है, वो इसी सोच में थी कि इस गांव में सभी गांव वालों और दीपा के सास ससुर को समझा कर वो गांव में शौचालय बनवा सके, इसलिए मेघा गांव वालों से मिलती है। कैसी बात कर रही हो बेटी, दो वक्त की रोटी खाने को नसीब नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से ये कच्चा कमरा तैयार किया है, अब शौचालय बनवा कर हम पैसा बर्बाद नहीं कर सकते,
हमारी बहू बेटियां सुबह निपट आती हैं, जैसे गुजारा चल रहा है, चलने दो। बेटी, हम औरतों का जन्म तो परेशानी झेलने के लिए ही हुआ है, और हम गुजारे लायक रोटी कमाने वाले गरीब मजदूर भला शौचालय कहाँ बनवा पाएंगे। यहाँ तो कोई भी शौचालय को लेकर गंभीर सोच नहीं रखता, अब मैं क्या करूँ। जीजा जी ने भी फोन पर साफ मना कर दिया है कि वो गांव में अपने पिताजी के मामले में कुछ नहीं बोलते। अगली सुबह गांव की सब औरतें लोटा पार्टी के लिए जंगल जाती है, पर उस दिन मेघा नहीं जाती, वो सो रही थी। तभी दीपा रोती चिल्लाती घर आती है। बाबूजी, माँ जी के पैर पर सांप ने काट लिया, वो जंगल में बेहोश पड़ी है। जंगल में अंधेरा था, माँ जी शायद उस सांप को देख नहीं पाई। क्या, कौशल्या को सांप ने काट लिया, पर कैसे? जंगल में अंधेरा था, माँ जी शायद उस सांप को देख नहीं पाई। दीपा की सास को गांव के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर जहर उतरने की दवाइयां देता है। कुछ घंटों बाद दीपा की सास को होश आता है। बाबूजी, क्या अब भी आप गांव में शौचालय बनाने के लिए मना करेंगे? आज अगर आंटी जी को कुछ हो जाता तो? कल भगवान न करे दीदी के साथ कुछ गलत हो गया तो? मेघा सही कह रही है, गांव में हर घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। हम गांव की औरतों ने कभी अपनी परेशानी को जाहिर ही नहीं किया, मामूली समझा अपनी सबसे बड़ी जरूरत को। तुम सब चिंता मत करो, हमारे गांव में भी शौचालय होगा, ताकि हर सुबह अंधेरे में गांव की बहू बेटियों को डर कर और सहम कर जंगल ना जाना पड़े। दीपा के ससुर की बात सुनकर मेघा बहुत खुश होती है। गांव में शौचालय बनने से सभी गांव वाले बहुत खुश थे। आधी रात का वक्त था। दीना जो एक फैक्ट्री में काम करता था, वो रात की ड्यूटी करके गाते हुए अपनी साइकिल से अपने घर वापस जा रहा था। लगा बैलू जब लिपस्टिक लेला आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू कमरिया असाए कमरिया हुई हुई टॉप लागेलू टॉपी टॉप लागेलू हुई हुई हुई। दीना साइकिल चलाते और गुनगुनाते हुए रास्ते में आने वाले एक शौचालय के बाहर से गुजर रहा था। शौचालय देखकर उसने अपनी साइकिल रोकी। थोड़ा सा हल्का हो जाता हूँ क्योंकि जोर से सू सू आ रही है। वो शौचालय के अंदर चला गया। शौचालय के अंदर भी वो अपना गाना गा ही रहा था। जिला टाप लागे लू कमरिया टाप लागे लू कमरिया हुई 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 हुई। तभी उसे शौचालय की दीवार पर तीन चार छिपकलियां दिखी। उन छिपकलियों का आकार सामान्य छिपकलियों से ज्यादा बड़ा था। ओ तेरी, ये कैसी छिपकलियां हैं? मैंने आज तक तो ऐसी छिपकली नहीं देखी। दीना ये सोच ही रहा था कि तभी शौचालय के अंदर से उसे एक औरत की हंसी की आवाज आने लगी। कौन है भाई? अजी कौन है? अजी कौन है? हंसी की आवाज इतनी खतरनाक थी कि दीना डर के मारे कांपने लगता है। तभी दीवार की उन छिपकलियों का रूप बदलने लगता है। दीना देखता है कि दो छिपकलियां भूत बन गई हैं और एक छिपकली चुड़ैल। चुड़ैल? भागो भागो, अरे भागो, बचाओ बचाओ बचाओ। वो शौचालय का दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी चुड़ैल और भूत उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और उसकी ओर देखकर जोर से फूंक मारते हैं। आग की ज्वाला उनके मुंह से निकलती है। दीना बचाओ बचाओ चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो चिल्ला ही नहीं पाता। मैं चिल्ला क्यों नहीं पा रहा, मैं चिल्ला क्यों नहीं पा रहा। उसके बाद वे चुड़ैल और भूत उसकी बाईं आंख की ओर देखकर फूंक मारते हैं। उसकी एक आंख की रोशनी भी चली जाती है। उसके बाद वे तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। उनके वहां से गायब होते ही दीना अपनी साइकिल वहीं छोड़कर अपने घर की ओर भागता है। घर पहुंचने पर उसका उड़ा रंग और उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, अजी ये क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, और ये आपकी बाईं आंख को क्या हो गया? लेकिन दीना कुछ नहीं बोल पाया। इस घटना के तीन दिन बाद की बात है। राजू, बबलू और पिंटू एक शादी में भोज खाकर उसी रास्ते से अपनी बाइक से वापस लौट रहे थे। भाई, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तेरा हमेशा तो यही है, मुफ्त का खाना मिला नहीं, पेट से बाहर खा लिया।
तू तो बड़ा कंट्रोल में खाता है, 10 रसगुल्ले तो मैंने गिने थे जब तू खा रहा था। ये देखो मैं रहो तो और गुड़गुड़ तेरे पेट में हो रही है। तभी बबलू के पेट में भी गुड़गुड़ होने लगी। ओए तेरी भाई, अब तो मेरे पेट में भी गुड़गुड़ होने लगी। जोरों से पार्टी आ रही है, कहीं पैंट पिना हो जाए। वो दोनों अपनी ही बातों में उलझे हुए थे, तभी उनका तीसरा दोस्त पिंटू जोर से चिल्लाते हुए बोला, अब तुम लोग अपनी बक बक बंद करो, यहाँ लगता है कि पैंट में हो ही गया है। ची 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 ची, तूने पैंट में ही कर दिया। तभी उन्हें वहाँ वही शौचालय दिखा जिसे देखकर उन्होंने बाइक रोकी। भाई सही जगह पर तूने बाइक रोकी है। पिंटू भागकर शौचालय में चला गया। इधर उसके दोनों दोस्त, अपना भी पेट में ही ना निकल जाए, इसलिए अच्छा है कि हम झाड़ियों में निकल जाए। वे दोनों भी झाड़ियों में चले गए। उधर पिंटू शौचालय में बैठकर सोच रहा था, आज तो इज्जत का फलूदा बन गया, पेंट में ही निकल गई पॉटी, बताओ। तभी उसे दीवार पर उसी तरह तीन छिपकलियाँ दिखी जो देखते देखते भूत और चुड़ैल में बदल गयी। भूत और चुड़ैल कहाँ से आ गए, इन्हें भी पॉटी लगी थी क्या? उसके बाद भूत और चुड़ैल ने उसका भी वही हाल किया जो उन्होंने दीना का किया था। उसकी भी एक आंख की रोशनी और आवाज चली गई। उसके बाद तो हर दूसरे दिन ये घटना उन लोगों के साथ घटने लगी जो भी उस शौचालय में जाता था। पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया था। जिसके भी मुंह से सुनो वो गांव में हो रही इस घटना को लेकर चिंतित थे। भाई ये क्या हो रहा है हमारे गांव में, ये एक एक कर लोगों की आवाज और उनकी एक आंख की रोशनी क्यों गुम हो रही है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, मैं तो इस गांव को छोड़ने की सोच रहा हूँ। अरे गांव छोड़कर कहाँ जाओगे, खेती बाड़ी तो तुम्हारी यही है। कहीं भी चला जाऊंगा भाई, कम से कम आवाज और रोशनी तो रहेगी मेरे पास। लोग धीरे धीरे गांव से जाने लगे। इस बीच कुछ लोगों ने इस घटना के कारण के बारे में जानने की भी कोशिश की, लेकिन सफलता उनके हाथ लगी। उन्हीं लोगों में हरिया और उसकी पत्नी सुनीता भी थे, लेकिन अब उनकी भी हिम्मत जवाब दे रही थी। सुनीता, लगता है हमें भी ये गांव छोड़कर जाना होगा। कहाँ जाएंगे जी हम, और क्या करेंगे, यहाँ कम से कम एक छत तो है, एक छोटा सा खेत है जो एक माँ की तरह हमारा पेट भरती है, इस माँ को छोड़कर हम कैसे चले जाएं? सुनीता तेरी बात ठीक है, लेकिन ये भी तो देख, जब पूरा गांव ही खाली हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ रहकर। उसी रात की बात है, सुनीता और हरिया शौचालय वाले रास्ते के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें किसी के बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। अजी ये कैसी आवाज थी, कौन बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है? आवाज तो मैंने भी सुनी, लेकिन कोई दिख तो नहीं रहा है। तभी फिर से बचाओ बचाओ की आवाज़ आई। इस बार उन्होंने देखा कि ये आवाज शौचालय के अंदर से आ रही है। वो भागकर वहाँ पहुँचे, शौचालय का दरवाजा बंद था। वो बाहर से ही चिल्लाने लगे, कौन है अंदर, कौन है भाई, अरे कौन है अंदर? अचानक अंदर से आती आवाज बंद हो गई। भाई क्या हुआ, कौन है अंदर, अरे कौन है अंदर? हरिया और सुनीता दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब हरिया एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया और उसकी मदद से शौचालय के दरवाजे पर मारने लगा। भाई घबराओ मत, हम ये दरवाजा तोड़ रहे हैं। कुछ देर बाद शौचालय का दरवाजा टूट गया। दरवाजा टूटने के बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। शौचालय के अंदर दो भूत जिसमें एक बच्चा और एक चुड़ैल थी, वो गांव में ही रहने वाले दीपक का गला दबा रहे थे। चुड़ैल और भूत के मुंह से आग भी निकल रही थी। अरे सुनीता भाग यहाँ से। नहीं जी, ये भागने का समय नहीं है, मुकाबला करने का है। हम अपने पड़ोसी को इस तरह इनके हाथों में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये कहकर उसने अपने गले में पहने बजरंग बली का लॉकेट निकाला और उन भूतों और चुड़ैलों की तरफ उसका मुंह कर दिया। भूत और चुड़ैल उस लॉकेट को देखकर गुस्से में चिल्लाने लगे, भाग जा यहाँ से, मत कर, मत कर, ये मत कर, पहले तू इसे छोड़,
नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। मैं पूरे गांव वालों को गूंगा और काना बना दूंगी। लेकिन क्यों, गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गांव वालों ने नहीं, लेकिन गुप्तेश्वर ने बिगाड़ा है। उसने मेरे परिवार को मारकर इसी शौचालय में डाल दिया था। पूरे परिवार को? हाँ, मैं गंगा हूँ और ये मेरे पति दिनेश और ये मेरा बेटा चंद। अरे पर तुम लोग तो गाँव छोड़कर चले गए थे न? गंगा बहुत ही गरीब औरत थी, लेकिन माता सरस्वती का आशीर्वाद उसके ऊपर था। वो बहुत ही अच्छा गाना गाती थी। एक बार शहर में गाने की एक प्रतियोगिता हुई, उसमें उसे प्रथम स्थान मिला। उसके बाद तो उसका नाम फेमस हो गया। उसे कई लोग गाना गाने के लिए आमंत्रित करने लगे। धीरे धीरे उसके परिवार की स्थिति बदलने लगी, लेकिन उसका पड़ोसी गुप्तेश्वर गंगा और उसके परिवार की समृद्धि से जलने लगा। कल तक दाने दाने को मोहताज गंगा और उसका परिवार पक्का मकान बनवा रहा है। सुना है कि वे मेरे पास रखा अपना गिरवी खेत भी छुड़वाने की सोच रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं, गुप्तेश्वर लेना जानता है, देना नहीं। गुप्तेश्वर ने उन तीनों को मार दिया। उस समय गुस्सा उसके ऊपर इस कदर हावी था कि उसने गुस्से में उनकी एक एक आंख भी निकाल दी। उसके बाद उनके मृत शरीर को गांव में नए बन रहे शौचालय की जमीन में दफना दिया। जब वो उन्हें शौचालय में दफना रहा था, उस समय शौचालय की दीवार पर तीन छिपकलियां थी। उनकी आत्मा उन्हीं छिपकलियों में प्रवेश कर गई। उन्हें मारकर गुप्तेश्वर ने गांव में ये अफवाह फैला दी कि अरे उस गंगा और उसके परिवार को बहुत घमंड हो गया था पैसों का। उन्हें अब ना गांव रास नहीं आता था, उन्हें शहर की चकाचौंध से लगाव हो गया था। इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ मुझे बेच दिया और सभी के सभी शहर चले गए। अब वे वहीं करेंगे अपना नाच और गाना। चुड़ैल की बात सुनकर सुनीता और हरिया दंग रह गए। उन्होंने पुलिस को सारी बातें बताई। पुलिस ने गुप्तेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। उस पर मुकदमा चला, उसे फांसी की सजा हो गई। उसके बाद गंगा और उसके परिवार की आत्मा मुक्त हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।